नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। खेजुरी थाना क्षेत्र से एक मदरसा में पढ़ने वाले दो बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत होने की घटना सामने आई है। मृत दोनों बच्चे बिहार राज्य के कटिहार निवासी बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल के CMS ने बताया कि एक बच्चा मृत अवस्था में आया था और एक बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि खेजुरी थाना क्षेत्र के भूड़ाडी हथौंज गांव में स्थित मदरसा मोइनिया रशीदिया में दोनों बच्चे पढ़ते थे। इनमें मोहम्मद अमान की उम्र 10 साल और मोहम्मद राकिब की उम्र 11 साल है। जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुजीत कुमार यादव के अनुसार मोहम्मद अमान मृत अवस्था में मदरसा के टीचर द्वारा यहां लाया गया। वहीं मोहम्मद राकिब की गंभीर हालत में इमरजेंसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों के शव को पोस्टमार्टम हालत में रखा गया है। CMS ने कहा कि फूड पॉइजनिंग से इनकी मौत हुई है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौत का असली कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। मामले को संज्ञान में आने के बाद सिकंदरपुर SDM कुमार व खेजुरी थाना प्रभारी अनीता सिंह ने मौके पर मदरसे में पहुंचकर शिक्षकों का बयान भी दर्ज किया। वही मामले की जांच के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। वही 359 सिकंदरपुर विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष मदरसा संगठन उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के युवा नेता और प्रभारी जुबेर सोनू की जुबानी सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद बलिया के सिकंदर विधानसभा पड़ता है, जहाँ से मैं राजनीति करता हूँ। वहाँ एक ग्राम सभा है भूनाडी, वहाँ के मदरसे जो चलते हैं, जो गांव के लोग चलाते हैं और सरकार से मान्यता प्राप्त भी है, वहाँ के दो बच्चों का देहांत हुआ है। क्योंकि संगठन के नाते और राजनीति के नाते लोग खबर मिली तो हम इसलिए यहाँ देखने आए थे। मदरसे का नाम क्या है? नाम तो याद नहीं पड़ रहा है मुझे। ये बच्चे कहाँ के रहने वाले थे? बच्चे बिहार के रहने वाले हैं जी। ये कहाँ आए थे? ये बच्चे गांव में रह के तालीम देते हैं, जो गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है और गांव के लोग अपना फंडिंग करके चलाते हैं मदरसा और पढ़ाते हैं उसको। जानकारी है कि बच्चों की मौत कैसे? देखिए, बच्चों के मौत के कारण के लिए ही यहाँ PM करवाया जा रहा है। CMS साहब ने बताया है, चाहे और लोग जो मास्टर लोग लेके आए थे, पूरी जानकारी मिल नहीं पा रही है, लेकिन अगर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो जांच कर पता चल जाएगा किस कारण से जांच हुआ है। वो तो बीमार थे बच्चे, दिले के आए हैं सुबह। तो उनके प्रिंसिपल या टीचर से आपकी बात है? थाने पर, क्योंकि थाने के लोग बुलाए गए हैं तो थाने पर रुक गए हैं, कुछ काम था उन लोग का। ठीक है, तो आप संगठन प्रिंसिपल से या टीचर से बात हुई? नहीं, हमारी किसी से बात नहीं हो पाई। जिम्मेवारी के नाते संगठन और राजनीति के चलते मैं अस्पताल में यहाँ पे आया। वी टाइम न्यूज़ के लिए एजाज अहमद के साथ मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट।